हेलो स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिक और डिजीज, यानी मेटाबॉलिक ऊपर पचय से होने वाले रोग में। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया डिजीज बताई थी, नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट डिजीज मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसे हम एल कैप्टन नूरिया कहते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से एल कैप्टोनूरिया एल कैप्टेनूरिया कहते हैं। इस क्या होता है, ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज होती है। ओके, इसकी खोज किसने की थी, गैरॉड ने 1902 में, गैरॉड ने सन 1902 में इस वंशागत डिजीज का अध्ययन किया था। इन्होंने बताया है ये एक ऐसे रोग के लिए इन्होंने इसकी खोज की और इनके आधार पर इन्होंने शरीर में की कोशिकाओं में फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन एमिनो अम्ल की मात्रा के कारण ये उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये एमिनो अम्ल उपयोग में प्रायः उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं, जो एक होमोजेनेटेसिक क्रिया के रूप में उपापचय क्रिया को प्रेरित कर देते हैं। इस क्या है, एल कैप्टेनूरिया रोग के रोगी में इस अम्ल की का विखंडन, इसकी कमी हो जाती है तो इस रोगी के विखंडन नहीं हो पाता है, जिससे रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और जोड़ों में इसका जमाव होने लगता है, जिससे पेशेंट को यानी रोगी को एथराइटिस या हम इसे गठिया रोग भी जानते हैं। इस रोग गठिया रोग होता है, इस रोग में रुधिर के साथ ये छन कर यूरिन के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। जैसे ही यूरिन के रूप में बाहर अम्ल निकलता है, हवा के संपर्क होने पर ये ब्लैक यानी काला हो जाता है, जिसका ये एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। इसी से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को मुख्य रूप से एल कैप्टेनूरिया नामक रोग जो मेटाबॉलिक डिजीज से उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में आते हैं। एक आता है, नेक्स्ट हमारा है फिनाइल कीटोनीरिया क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा फिनाइल कीटोनीरिया है, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। ओके, फिनाइल कीटोनूरिया क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया जिसे हम शॉर्ट भाषा में पी फिनाइल के टी पी के टी फिनाइल कीटोनूरिया के नाम से जानते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया की खोज ए फॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने की है, ए फॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया है और ये सन 1934 में इसकी खोज की गई थी, 1934 में इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया जिस प्रकार से हमारा एल कैप्टेनूरिया नामक डिजीज उत्पन्न होती है, जिसमें फिनालिन एलानिन को हम टायरोसिन एमिनो अम्ल के बदलने वाले एंजाइम्स के फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज के कारण ये
की कमी हो जाती है, अतः रुधिर में फिनाइल एलानिन एकत्रित होने लगता है। अतः अन्य प्रक्रियाओं में फिनाइल एलानिन पैरविक अम्ल के रूप में एकत्रित होने लगता है, जो यूरिन में निकलने लगता है और उनके ऊतकों में विशेषतया धीरे धीरे ये मुख्य रूप से मस्तिष्क कोशिकाओं के ऊतकों में फेनाइलिन एलानिन जमाव होने लगता है, जिससे रोगी में अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चों में इस प्रकार की अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है तथा यूरिन में एवं पसीना यानी यूरिन एवं पसीना बदबूदार होने लगता है, इससे व्यक्तियों में ये बीमारी प्रूफ हो जाती है और हम फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज को पहचान पाते हैं, जो प्रायः मेटाबॉलिक डिसऑर्डर द्वारा उत्पन्न होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इस वीडियो को मुख्य रूप से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।